बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबी व बारिक व सल्लम व सल्ली अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक होंगे और अपने घरों में होशोबाश होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में होश रखे, आमीन जी। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास दाल है, ये है मूंग की दाल। इसको हमने झटपट तैयार करना है आज। और ये चीज़ कैसे करना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसको आपने भिगो के रख देना है। और जी देख सकते हैं आप, ये साथ ही साथ कुछ सब्जियाँ हमने काट के रखी हुई हैं, जिसमें जी शामिल है प्याज, एक छोटा प्याज लेंगे हम, और टमाटर लेंगे एक, और जी एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे जी। हाँ, तो यहाँ पर हम चलते हैं। ये है थोड़े से मसाले, आप परेशान ना हो, ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं होंगे। हाँ जी, ज़्यादा मसाले हमने डालने भी नहीं हैं। और जी ये बहुत ही झटपट तैयार होने वाली दाल है जी। हाँ, मूंग की दाल जी। तो इसमें जाएगा मसाले, आप देख सकते हैं धनिया पाउडर, नमक, और ये है मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और कलौंजी। मैं कलौंजी अपने खाने में शामिल करती हूँ, आप भी ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जी। तो ये हमारा कुकर में जाना, ये है दाल, दाल पानी के साथ जाएगी, दो गिलास पानी के साथ जी। तो ये है टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, और जी इसमें सारे जाएंगे मसाले। हाँ जी, ये सारे कुकर में चले गए हैं मसाले। इसको करेंगे हिलाएंगे और हम फ्लेम ऑन कर देंगे, और जी इसके अंदर हम लगा देंगे प्रेशर कुकर 10 मिनट के लिए जी। हाँ, जी तो ये हो चुकी है ओपन, और जी इसका टाइम हो गया पूरा, और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी ये दाल हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं मूंग की दाल झटपट हमने तैयार की है सिर्फ 10 मिनट में। और जी आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त है जी। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जी मुझे सब्सक्राइब भी करें जी। तो अब इसके अंदर हमने अब क्या करना है, इसके अंदर अब हमने करना है जी, ये झटपट तैयार होने वाली मूंग की दाल है जी। तो इस तड़के के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे, हमने डालना है जी गोल साबुत मिर्चें, ग्रीन चिली भी है इसमें जी। हाँ, ग्रीन मिर्चें भी हैं और सब्ज़ मिर्चें जिसे कहते हैं, और लहसुन है। ये देखिए हमने ऑयल लिया है, ऑयल के अंदर हमने डाला है जी अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से इसको हमने करना है ब्राउन जी। हाँ, ब्राउन करने के बाद आपने जो चिली है, चिली को आपने कट कर लेना है और फिर शामिल करना है। वैसे ना कीजिएगा, तेल इस तरह ऊपर आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जी इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है टमाटर। बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल तैयार हुई है, आप सोच नहीं सकते जी। हाँ जी, ये टमाटर हमने शामिल कर दिया है, इसको अच्छे से हमने पकाया है। फिर गोल मिर्चें, साबुत गोल मिर्चें हमने ऐड कर दी हैं इसके अंदर जी। हाँ, तो ये देखिए जा रही है मज़े से अंदर, और बहुत ही ज़बरदस्त ये खुशबू आ रही थी। और जी ग्रीन जो मिर्चें हैं, हरी मिर्चें, वो भी हमने शामिल कर दी है उसे कट लगा कर जी। हाँ जी, तो आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जी इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जी मुझे सब्सक्राइब भी करें। ये बहुत ही ईजी वे में बनने वाली दाल मैंने आपको झटपट मूँग की दाल इसलिए आपके लिए बनाई है ताकि आप अपने घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं जी। तो हमने सर्व कर ली है, और इसके ऊपर डालने लगे हैं हम तड़का। देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना प्यारा तड़का लग रहा है, और ये कितनी खूबसूरत दाल बनी है। आप इसको ज़रा ऑब्ज़र्व तो करें और सोचें ये आपके मुंह के अंदर जा रही है, आहा कितना मज़ा आने वाला है जी। तो अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक भी करें वीडियो को, और शेयर भी करें, और मुझे सब्सक्राइब भी करें जी। इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। मुझे और मेरे वालदैन को दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।